पुष्कर में आज मेला ग्राउंड में बॉलीवुड नाइट का आयोजन होगा। आज सुबह से ही 8 बजे से वाटर वर्क्स पंप हाउस पर सेंट आर्ट चल रहा है और रात 10:30 बजे फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेगी। प्रियंका हमीरपुर और ऊना के कांगड़ में जनसभा करेगी। इसके बाद शाम को गगरेट में रोड शो में हिस्सा लेगी। उत्तराखंड के सीमांत गांव माणा से आज कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस भारत जोड़ो यात्रा के निशाने पर प्रदेश की धामी सरकार रहेगी। पंच केदारों में सबसे ऊंचाई वाले भूभाग में विराजमान तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज सुबह 11:30 बजे वेद रचाओ और विधि विधान से भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद शीतकाल के बाद भगवान तुंगनाथ की पूजा अर्चना करके गद्दी स्थल मक्कूमठ में होगी। आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण ईडब्ल्यूएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला देने जा रही है। सामान्य वर्ग के निर्धन तबके को जनवरी 2019 में ये आरक्षण दिया गया था। सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में दिए गए इस 10% आरक्षण को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है। बीजेपी आज हिमाचल में 24 रैलियां और जनसभाएं करने जा रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर इन रैलियों में स्टार प्रचारक होंगे। जयपुर कमिश्नरेट में 93 सीआई का तबादला हुआ। 45 स्थानों के सीआई बदले, 7 सीआई को भेजा लाइन। अच्छा परफॉर्म करने वालों को मिला बड़ा थाना। खबर चौमू से, बीजेपी की बाड़ाबंदी में पार्षदों से मिलने पहुंचे 3 विधायक। पार्षदों की संख्या पहुंची 73। होटल में बाहरी लोगों की एंट्री बंद। अब भारतीय समुद्री सीमा में नहीं घुस पाएगा जासूसी जहाज वांग 6। नौसेना शियान फर्स्ट की तरह खदेड़ देगी, लेकिन बांग्लादेश श्रीलंका में रुका तो खतरा रहेगा। 2 दिन के रूस दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री जयशंकर। रूसी विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम से मिलेंगे। बायलेटरल रिलेशन और इंटरनेशनल एजेंडे पर होगी चर्चा।